AKS हैवी ड्यूटी पेपर कटर। ये कटर है, टोटल मेटल बॉडी में आता है। इसमें ये देखिए अनलॉक लॉक सिस्टम है, हैंडल नीचे नहीं आएगा। ये अनलॉक करने के लिए ये देखिए प्रेस करेंगे आप, जब ही अनलॉक होगा और ये हैंडल आपको बॉक्स में अलग से आएगा, इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ लगने के बाद आपका देखिए लॉक लग गया, और यहाँ पे आप जो कॉपी कट करेंगे इसमें ये देखिए दो रजिस्टर हैं, दोनों रजिस्टर में काट के आपको दिखाऊंगा। देखिए दो रजिस्टर लगाए हैं, और मैं यहाँ ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगा, थोड़ी सी करके आपको दिखा दूँगा। और ये देखिए इसके अंदर ये जो शीट्स है ये आप अपने हिसाब से नाप के यहाँ लगाएंगे। स्केलिंग भी है, यहाँ देखिए इस तरीके से लग जाएगा। और ये यहाँ पर आपको कटिंग करनी है, वहाँ तक लाके फिक्स कर देंगे। ये मैनुअल मशीन है आपकी, इस तरीके से शीट फिक्स करने के बाद ये दाब लगेगा। दाब लगने से क्या होगा, आपका पेपर हिलेगा नहीं कटिंग के टाइम। ये देखिए ये दाब लग गया है। ये दाब लगने के बाद क्या होता है, शीट्स आपकी हिलेगी नहीं। अब इसमें कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा एंगल इस तरफ उस तरफ है इसका। काफ़ी हैवी मशीन है ये, 22 kg की है। ये सपोर्ट के लिए रहता है, पेपर सपोर्ट के लिए, अगर पेपर शीट बड़ी है। ये देखिए शीट्स लगी हुई हैं, अभी हम इसको कट करके देखेंगे। ये हैंडल देखिए नीचे नहीं आएगा, ये अनलॉक करके तभी हैंडल नीचे आएगा आपका। और इस तरीके से नीचे लाने के बाद ये वापस ले जाएंगे आप, और ये आपका जो कटिंग हो जाएगा वो रहेगा। और ये देखिए ये आपकी शीट्स जो कटिंग हो रखी है, एकदम फाइन कटिंग है। अब ये शीट्स बाहर नहीं निकलेगी, तो इसको निकालने के लिए इसे लूज़ करेंगे। ये देखिए ये लूज़ हो गई है। इसके अंदर जो गैप है ये आपका 1.5 इंच से 1.5 इंच के बीच का गैप है। इसके अंदर जितनी शीट्स आ जाएंगी, देखिए ये दो रजिस्टर है, ऐसे दो और रजिस्टर इजीली आ जाएंगे। और ये देखिए इसकी कटिंग, इसमें देखिए प्लास्टिक शीट्स भी है, उसे भी कट किया है। बस ध्यान रखिएगा कोई स्टेपलर पिन इस टाइप की कोई चीज़ ना आए कटर में। ये देखिए कटिंग आपके सामने की है, और देखिए इसकी फिनिशिंग। इसके अंदर आप जो कटिंग करेंगे वो 17.7 इंच तक इजीली होगा, 17.78 इंच तक इजीली कट होता है, 18 इंच भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका हैंडल है। मशीन चलाना बिल्कुल इजी है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। मैं विकास सिंह AKS ऑटोमेशन से।